थाना सेक्टर 63 की पुलिस को एक अच्छी कामयाबी मिली है। इन्होंने 5 चोरों को गिरफ्तार किया है जो बंद कंपनीज में से लैपटॉप, LED, बाकी इलेक्ट्रॉनिक सामान, इन्वर्टर, बैटरी, इस तरह की चीज़ें चुराते थे। दिनांक 29 जुलाई को सेक्टर 63 क्षेत्र में दो आईटी कंपनियों में चोरी हुई थी। उसमें लगभग 25-26 लैपटॉप और भी थोड़ा मोड़ा सामान चोरी किया गया था, जिसमें से कि 22 लैपटॉप कल इन 5 चोरों से बरामद किए जा चुके हैं। इन 5 चोरों का नाम है विकास, वसीम, आदिल, दानिश और सुहेल। इन 5ों के 2 दोस्त अरुण और दीपक, जो इनके साथ चोरी का काम करते थे, वो 12 अगस्त को फेज 2 थाना क्षेत्र से गिरफ्तार हो चुके हैं। जो इनका पूरा गैंग जो गाड़ी यूज़ करता था चोरी करने के लिए, आल्टो गाड़ी, वो भी थाना फेज 2 में 12 तारीख को बरामद की जा चुकी है। अभी तक जो पता चला है, इनका पुराना आपराधिक इतिहास है। ये पहले भी थाना सेक्टर 20, थाना फेज 2 और थाना सेक्टर 49 से इससे पहले भी जेल जा चुके हैं। इनके अन्य आपराधिक इतिहास और बाकी किस तरह से ये लोग आगे लैपटॉप्स को बेचते थे, क्या इनका और भी कोई और बहुत बड़ा गैंग है, इसकी और जांच की जा रही है। हम कंपनी का भी कोई आदमी मिले होने की शक है या ऐसा कोई क्लू मिला आप लोगों को, क्योंकि बंद फैक्ट्रियों में ये घटनाओं को अंजाम देते थे? अभी तक इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन फिर भी हम गहनता से इस पहलू पर और जांच कर रहे हैं कि क्या इस कंपनी या फैक्ट्री में कोई आदमी इन लोगों से मिला। चोरी क्यों किया करते थे? ये चोरी ऑन डिमांड बेसिस पे किया करते थे। जो लैपटॉप्स या जिन लैपटॉप्स की डिमांड मार्केट में ज़्यादा होती थी, उस तरह के लैपटॉप्स ये जाके चोरी किया करते थे, और काफ़ी बल्क में इन्हें लैपटॉप्स मिल जाते थे। मोस्टली जिस दिन कंपनीज या फैक्ट्रीज में अवकाश होता है, उस दिन ये लोग चोरी करते थे, जिससे कि एक साथ काफ़ी बड़ा सामान ये लोग चुरा पाए।